गाइस वेलकम है मेरे आज के इस न्यू वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है 12 वोल्ट का डीसी गलेंडर कैसे बनाएं। हम इस मोटर से डीसी गलेंडर बनाएंगे, जो बैटरी वाला फैन होता है उसका मोटर ही है फ्रेंड्स। इसको मैंने रीवाइंडिंग करके मोटा वाला वायर से वाइंडिंग किया है, जिससे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। इसके बाद हम लेंगे इस तरह का प्लाई का टुकड़ा, इसको मैंने 3 टुकड़ा करके जोड़ के मोटा कर लिया हूँ। और फिर मैं इसमें बटन के लिए जगह बना लिया हूँ फ्रेंड्स। इस तरह से काट करके इसमें हम स्विच लगाएंगे। और फिर इसमें हम कर लिए हूँ इस तरह से, इसमें मोटर को इसमें लगा लेंगे। इस सबको मैं पहले कर लिया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। और फिर इसमें डीसी सॉकेट लगाने के लिए मैं भी कर लिया हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले हम इसको इसमें लगा देते हैं फ्रेंड्स। इसमें इस तरह से लगा देंगे ग्लू गन से, इस तरह से लगा देंगे, इस तरह से अच्छे से पकड़ो। इसलिए हम लाइटर से भी इसको गर्म करेंगे। इस तरह से लाइटर से गर्म करके अच्छे से पकड़ होगा फ्रेंड्स। फिर इसको इस तरह से ऐसे करके लगा देंगे अच्छी तरह से दाब करके लगा देंगे। फिर इसको साइड समय भी ग्लू गन थोड़ा इसको सूखने देते हैं, तब इसका साइड समय भी ग्लू गन दे देंगे। थोड़ा सूख गया है फ्रेंड्स, इस तरह से इसके साइड समय चारों साइड ग्लू गन धर देंगे थोड़ा थोड़ा, इसे मजबूत हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये मोटर ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से वाइंडिंग किया। आपको कैसे अच्छे से वाइंडिंग करना उसका वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। इस तरह से इसको भी कर लेना है, इसको सूखने में टाइम लगेगा। तब तक हम गलेंडर का बिल कैसे सेट करेंगे उसका। मैं ये लिया हूँ कुकर का वाल, इसमें मैं वाटर पंप का जो 2 पाइप जोड़ता है उसका लिया हूँ प्लास्टिक, उसमें इसमें लगा दिया हूँ। ये ठीक इस मोटर के साथ में फिक्स आ रहा है। फिर इसको हम करेंगे ऐसे। फिर इसमें हम एक लेंगे छोटा सा ट्यूब का टुकड़ा लेकर के इसमें इस तरह से लगा करके, क्योंकि गलेंडर का बिल इसमें ढीला आता है इसीलिए इसमें हम इस तरह से लगा करके फिक्स कर देंगे। इस तरह से हम इसमें काट लेंगे इसको, इस तरह से कैंची लेके काट लेंगे, इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से काट करके इसमें आ जाएगा, इसमें इस तरह से फिर अच्छे से इसमें फेविक्विक लगा देंगे। इस तरह से फेविक्विक लगा देंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ऐसे हो जाएगा काम। फेविक्विक लगा देंगे इसको मोटर में लगा करके, इसको ठीक इससे में जितना में आ जाएगा उतना में इसको फिक्स कर देंगे। तब तक हम मोटर का काम करते हैं। ग्लू सूख गया होगा, इसको कर देना है। इस तरह से सूख गया है। अब हम लेंगे एक टीन का पत्ती लेंगे, इस तरह का टीन का पत्ती लेंगे। इसमें मैं होल कर लिया हूँ इस तरह से चारों साइड, इसमें भी होल कर लिया है फ्रेंड्स। इस तरह से इसमें लगा देना है, इस तरह से इसमें लग जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से दोनों साइड चार नट ले करके कस देंगे। चार नट ले करके इस तरह से दोनों साइड से इस तरह से कस देंगे। इस तरह से मैं इसको जल्दी से कस देता हूँ। मैं इसको अच्छे से टाइट कर लिया फ्रेंड्स, अच्छे से आपको भी टाइट करना है इसी तरह से। फिर इसको इसमें एकदम फिट आ जा रहा है। इसमें देखिए मैं इसी जिस जसलर लग रहा है इसी के लिए बना हूँ। इस तरह से फिक्स आ रहा है, इसमें मिला कर लगाएंगे। फिर इसको चला करके इसको मिलाएंगे। अभी चलाते हैं फ्रेंड्स। इसको चलाने के लिए मैं ट्रांसफार्मर का यूज करूँगा, 3 एम्पीयर का। इसको मिला करके चक्कू से अच्छी तरह से मिला लेना। इसी तरह से आपको मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से मिला लिया हूँ। देखिए गलेंडर का बिल में एकदम ठीक से आ रहा है, एकदम अच्छी तरह से। इसी तरह से आपको भी गलेंडर देखिए फ्रेंड्स। फिर इसमें हम एक नट कसेंगे। नट कसने के लिए एक वाशर देंगे, जिसे ये अच्छे से दबा रहे।
और फिर इस पे इस तरह से इसको कस देंगे दोनों साइड से पकड़ के प्लायर से। इस तरह से इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अभी मैंने इसीलिए फेविक्विक इसमें नहीं लगाया क्योंकि ये प्रॉब्लम करेगा बाद में। इसको लास्ट में हम फेविक्विक से अच्छी तरह से चिपका देंगे इस तरह से करके प्लायर से कस देंगे। मैं इसको कस के लाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए मैं इसको कस लिया हूँ। इसको आप चला कर देखते हैं कस सीधा घूम रहा है कि नहीं। इस तरह से इसमें लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स एकदम सीधा थोड़ा भी चेहरा नहीं घूम रहा एकदम सीधा। थोड़ा मोड़ा तो हो ही जाता है। इसको कसने के लिए आपको रिंच लेना पड़ेगा। इस रिंच को इस साइड से इस तरह से लगा दीजिएगा और फिर इस तरह से करके पकड़ के इस तरह से इसको कस दीजिएगा। मैं तो कस लिया हूँ फ्रेंड्स। देखिए अब इसके आते हैं वायरिंग पर। मैं इसमें स्विच ये लगाऊंगा क्योंकि ये स्विच गलेंडर का है बहुत ज़्यादा एम्पियर से था। आप इसमें लगाएंगे टोगल स्विच जो गोलाकार वाला था वो नहीं रहेगा क्योंकि मैं इसमें ट्राई कर चुका हूँ। मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ आप सबको दिखाने के लिए। मैं इसको बनाया था बिना वीडियो करके। वीडियो तब मैं इसको नहीं डाला था। अब मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि आप सबको वीडियो को दिखाने के लिए। इसको यही स्विच लगाना है या फिर आपको जो घर में लगता है वो स्विच बोल मारने के लिए वो स्विच भी लगा सकते हो। वो स्विच भी अच्छा काम करता है। मेरे पास फिलहाल ये था तो मैं ये लगा रहा हूँ। इसको चिपका देंगे इस तरह से। स्विच लगाने से पहले इसमें हम तार ज्वाइन कर लेते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से मैं पहले वायर ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह से इस साइड भी ज्वाइन करके हम स्विच का कनेक्शन कर देते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से इसमें इस तरह से जाएगा लगा करके। इस तरह से इसमें जोड़ देता हूँ मैं फ्रेंड्स। इस तरह से देखा जाए नहीं है कौन प्लस चले कि माइनस।
देखो फ्रेंड्स, मैं इसको जोड़ लिया दोनों तरफ से। मेरे पास दो बार गलती हो गया फ्रेंड्स। मैं किसी बार इसमें से तार ही छोटा हो गया, किसी बार इसमें कनेक्शन उल्टा ही हो गया, स्विच का कनेक्शन इस साइड से हो गया, कभी ऑन ऑफ हमें करना है इस साइड से ऑन होगा से दो बार, तो ये क्या होगा था, इस साइड से ऑन होगा क्या था, इसीलिए मैं इसको वीडियो में इतना टाइम लगे फ्रेंड्स। अब हम ग्लूगन से इसको अच्छी तरह से इस तरह से चिपका लेंगे अच्छी तरह से। आप सोच रहे होंगे इसमें ग्लूगन तो लगा हुआ है पहले से, मैं इसको एक बार बनाया था लेकिन फिर इसको तोड़ना पड़ा, क्योंकि आप मैं इसमें वीडियो नहीं बनाया था इसलिए हमको इसको तोड़ना पड़ा इसीलिए फ्रेंड्स। अच्छी तरह से ग्लूगन लगा लेते हैं अच्छी तरह से, तो फिर इस तरह से लगा लेंगे। ऐसे में ये थोड़ा ढीला आ रहा है इसलिए हम इसमें थोड़ा पत्ती लगा देंगे पीवीसी शीट का, फिर अच्छी तरह से फिर लगा देंगे इसको ग्लूगन। फ्रेंड्स ये इतना पावरफुल है फ्रेंड्स, इससे आप बड़े भी काम कर सकते हैं, रॉड भी काट सकते हैं, धीरे धीरे काटेगा लेकिन बहुत पावरफुल है इनका। मैं इसको यूज़ करा हूँ एक चोटी इसीलिए, तो ये इतना सा हो गया। इसमें टेप मार देंगे हम, टेप ले करके टेप मार देंगे इस तरह से। इस तरह से टेप मार करके अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। अब इसके सॉकेट पर आते हैं, इसके सॉकेट के लगाने का मैं यहाँ लगाऊंगा फिर फ्रेंड्स सॉकेट, डीसी सॉकेट। आपको भी सॉकेट ही यही यूज करना है, ये ज़्यादा एम्पियर से लेता है क्योंकि मोटर बहुत ज़्यादा एम्पियर लेता है फ्रेंड्स, इसीलिए आपको हर चीज़ अच्छा ही लेना है। इस तरह से हम लगा देंगे, तो सबसे पहले इस दोनों तार को थोड़ा बड़ा करके ही काटेंगे फ्रेंड्स, छोटा ना हो जाए बाद में। क्लच ये हो गया, मेरे से हो गया, इसके शोल्डर लगा लेंगे इसमें अच्छी तरह से। कूलर लगा करके डीसी सॉकेट को इसमें लगा लेंगे, तो मैं इसमें सोल्डर कर लिया फ्रेंड्स। अब इसको इस तरह से चिपका देते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं ये चल रहा है कि नहीं। 12 वोल्ट का डी ये मैंने अडाप्टर लगा दिया प्लग में, अब इसको चेक करते हैं चल रहा है कि नहीं। अच्छी तरह से चल रहा है फ्रेंड्स, अब इसको पूरा तरह से पैक कर देते हैं ग्लूगन से, अच्छी तरह से इसको पैक कर देते हैं। ऐसे लगा करके लगा देना, हमारा ग्लेंडर का 90% काम हो गया है फ्रेंड्स। अब 10% काम बचा है, उसको भी कर लेते हैं फटाफट। इस पर अच्छी तरह से टेपिंग कर लेते हैं जिससे ये अच्छा देखे, टेपिंग करेंगे तो ये अच्छा लगेगा देखने में। अभी इसको हम टेस्ट भी करेंगे फ्रेंड्स, अभी इसका पावर देखेंगे तो आप कहेगा हम भी इसको बनाएंगे। अगर आपको मोटर का वीडियो देखने कैसे स्पीड पर रहे तो मेरे चैनल पे मैं डाल दिया हूँ वीडियो फ्रेंड्स, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से। इसी तरह से मैं इस पर पूरे में टेपिंग कर लेता हूँ फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से टेप कर लिया फ्रेंड्स, अच्छी तरह से। आपको भी इस तरह से कर लें, देखें फ्रेंड्स का इसका दो फायदा है,
इसमें हम एक ग्लेंडर का चक लगा देंगे तो इसमें से ड्रिलिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो पे एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो पर तब मैं इसमें ड्रिल चक लगाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा इस वीडियो में फ्रेंड्स। इसको आप टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स कितना पावरफुल है। इसके लिए मैं 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का यूज़ करूँगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स कितना पावरफुल है, देखिए क्या क्या काटेगा। आप इसको 12 वोल्ट 3 एम्पीयर 5 एम्पीयर देंगे तो ये इससे डबल काम करेंगे आप फ्रेंड्स। इसीलिए इसमें 2 एम्पीयर इसीलिए आप इसे नहीं काट रहा है, तभी देखिए कितना अच्छा काट रहा है, 2 एम्पीयर कितना अच्छा काम करा फ्रेंड्स। देखिए देखिए काट दिया इसको भी, इसको थोड़ा काट करके देखते हैं। देखो फ्रेंड्स इसको भी क्या दिया, इसमें 2 एम्पीयर सप्लाई इसीलिए एक बार रुक गया फ्रेंड्स। इसमें 3 एम्पीयर या 7 एम्पीयर आएगा 12 वोल्ट का बत्ती, तो ये रुकेगा ही नहीं फ्रेंड्स, इतना अच्छा काटता है, बहुत अच्छा काटता है। मैं एक बार इसे बनाया था फिर इसको तोड़ करके आप सबको दिखाने के लिए फिर तो वीडियो बनाया, तो फिर इसे आप इसे भार भी कर सकते हैं इस तरह से। देखिए मैं इस चक्कू में आप धार बना के दिखा देते हैं, देखो फ्रेंड्स कितना धार बन गया इसमें। देखो फ्रेंड्स पीवीसी सीट को भी काट दे रहा है। आगे वीडियो में मैं इसमें ग्लेंडर चक लगाऊंगा फ्रेंड्स, इससे ड्रिलिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक ही टूल से दो दो काम हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो पे एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से बनता है फ्रेंड्स, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग।